बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 12 अप्रैल को मध्य प्रदेश के सीधी जिले पहुंचे। उन्होंने यहां कहा कि कांग्रेस ने भाई को भाई से बांटकर राजनीति की। जो प्रत्याशी विधानसभा का चुनाव जीते नहीं, वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की परिभाषा बदल दी है, अब काम की बात पर चुनाव हो रहा है। आज अमेरिका और यूरोप के कई देशों की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है और आज भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच गया है। आगे जाकर भारत 30वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। साथ ही क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं यहां आया था चुनाव में, रीवा में आया था और सारे मध्य प्रदेश में घूमा था। उस समय मुझे साफ दिखता था कि एमपी के मन में मोदी है और मोदी के मन में एमपी है, और आज भी मुझे दिख रहा है कि एमपी के मन में और देश के मन में मोदी है और मोदी के मन में देश है और एमपी है। ये मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है कि चाहे हम गुजरात की बात करें जहां हम 30 साल से सरकार में हैं, फिर चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें जहां 20 साल से अधिक सरकार में हैं। अभी अभी आपने हमारे विधायक जी बता रहे थे यहां के प्रत्याशी के बारे में कि वो लड़ रहे हैं लोकसभा विधानसभा जीते नहीं, ऐसी परिस्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के एक बात सामने आई जो आप लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए। पहले राजनीति होती थी लोगों को बांट करके। कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक भाई को भाई से बांटा। तुम नदी के इस पार का कैंडिडेट है कि नदी के इस पार का कैंडिडेट है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, हमारे बिरादरी का है कि किसी और बिरादरी का है, और वोट बैंक की पॉलिटिक्स की, वोट बैंक की पॉलिटिक्स की, और उसके बाद सबका वोट लिया, सबका वोट, और वोट लेने के बाद सरकार किसी जाति की बन गई, किसी वर्ग की बन गई, किसी समुदाय की बन गई, वह सबकी सरकार नहीं।